तो जिस तरह से 12th क्लास का रिजल्ट निकला है और रिजल्ट में बच्चों ने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया है, और इसी तरह से मेरे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं, हार्दिक और आलोक। हार्दिक जिन्होंने 92% मार्क्स हासिल किए 12th क्लास में, और आलोक ने 93% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए 12th क्लास में। इन दोनों ने भी किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लड़कियां जो वो हर बार बाजी मारती हैं, लेकिन लड़के भी जो वो किसी से कम नहीं है। और इसी तरह से इन्होंने जो मेहनत की, इन्होंने भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरे, स्कूल टीचर्स की, प्रिंसिपल सर की उम्मीदों पर खरा उतरे, तो इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ये मुकाम हासिल किया। हार्दिक, सबसे पहले तो आपको जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं इस मुकाम को लेकर आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर, मेहनत नॉर्मल ही थी, इतनी कुछ खास भी नहीं थी की थी मैंने। बाकी सर का बहुत सपोर्ट था, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था स्कूल में कि आप कर सकते हो, और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था हमारे पीछे। उन्होंने हमारे कंसेप्ट क्लियर कराए, जहाँ पे हमें नहीं समझ आता हम 3 बार 4 बार टीचर्स कहते थे हमें पूछो, हमसे जो भी आपके डाउट हैं वो हमें क्लियर करते थे। और बाकी हमारा अपना टाइम टेबल फिक्स था कि कहाँ के रहने वाले हैं। चकमंगा रखवाल के। अच्छा, स्कूल टीचर्स को लेकर, जैसे सर को लेकर आपने बात की, लेकिन सपोर्ट कितना मैटर करता है? टीचर्स तो आपको गाइड करते हैं, वक्त वक्त पर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, स्कूल टीचर्स के सपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपसे ब्रीफ में जानना चाहता हूँ, और पेरेंट्स के सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे ही वाकई में, लेकिन दोनों के सपोर्ट को कितना डीप में जाकर देखते हो? स्पोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और अपनी पढ़ाई भी मैटर करता है कि सर ने मुझे जैसे कि बहुत सपोर्ट किया था तभी मैं इतनी डीप में जाके पढ़ा, नहीं तो पहले मैं इतना अच्छा कुछ मतलब मीडियम ही था, पर सर की वजह से मैं इस मुकाम पे आया हूँ। और बाकी पेरेंट्स का भी हमारा बहुत सपोर्ट था, उन्होंने जो भी चीज़ थी, जो भी बुक्स हमें चाहिए थी वो हमें दी। जब भी हमारे स्कूल में टीचर्स एब्सेंट थे, सर कहते थे कि अब मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करूँगा, आप MCQ सॉल्व करो और भी उनमें से नॉलेज गेन करो। स्ट्रीम कौन सी थी आपकी? मेडिकल स्ट्रीम में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टाइम टेबल किस तरह से आपने बनाया था, टाइम को किस तरह से मैनेज करते थे, स्टडीज़ में टाइम देना, घर पर भी टाइम देना, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी कई बच्चों का रुझान जो वो रहता है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? सर, मैं वीकडेज में कम ही पा जाता था, ऑलमोस्ट संडे को जाता था, क्योंकि हॉलीडे होती थी तो मैं फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाता था। वैसे तो मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करता रहता था 1-2 घंटे, बाकी मैं पढ़ाई में ज़्यादा समय देता था। स्कूल आना और स्कूल के बाद जब घर वापस जाना, कोई ट्यूशन कोचिंग लेते थे? नो सर, कुछ नहीं। स्कूल की तरफ से जो अपडेट किया जाता था उसी को रिवाइज, वही रिवाइज करता था मैं रेगुलरली, कभी मैंने बैकलॉग नहीं क्रिएट किया अपनी स्टडीज में। अच्छा, आप फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट रहता है, इसमें जितनी आप मेहनत कर ले उतना आपके लिए कम है। अब मेडिकल स्ट्रीम में जाऊँगा, MBBS करना है मैंने। MBBS डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा कर। यस, और क्या आपका मैसेज बाकी बच्चों को रहेगा, किस तरह से मेहनत करनी है ताकि अच्छे मार्क्स हासिल किए जाएं, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए? पहले तो अपना टाइम टेबल ही फिक्स रहना चाहिए कि अच्छे से टाइम टेबल, अपना पढ़ाई का टाइम अलग, खेलने का टाइम अलग, टाइम पे होना रेगुलर रहना चाहिए, स्कूल में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ऐसे छुट्टियाँ नहीं मानी चाहिए बेहतर की। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक, आलोक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी इस जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से ये मुकाम हासिल किया? पहले तो मैं सर का और अपने टीचर्स का और पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि एज ही से कि सर और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, और हमारे पेरेंट्स ने भी काफ़ी हमारा सपोर्ट किया। अगर सर हमको हर टाइम मोटिवेट करते रहते थे कि मतलब यही है, 1 साल इसको लगा लो, आपकी लाइफ बन जाएगी। बाकी टीचर्स ने तो काफ़ी सपोर्ट किया, रेगुलर टेस्ट भी हुए हमारे काफ़ी ज़्यादा, हर डे होते ही रहते थे टेस्ट रेगुलर, और पेरेंट्स ने भी कभी किसी की बुक के लिए कहा होगा उसके लिए मना नहीं किया। और बाकी मैंने हार्ड वर्क तो किया ही था, उसका फल मिलता ही है सबको। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो करते हैं, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी भी हर एक काम के साथ ज़रूरी रहती है, क्योंकि फ़िट रहना काफ़ी ज़रूरी है, पढ़ो और साथ में खेलो कूदो सब कुछ करो। बाकी सर का भी लास्ट में थैंक यू ही कहना चाहूँगा मैं। लेकिन जानना चाहता हूँ कि आपने सिस्टम को किस तरह से मैनेज किया था, जब आपने एडमिशन ली होगी, आप अपना बेस तैयार कर रहे थे, तो ये पूरी तरह से सिस्टम आपने लास्ट तक इसी तरह से अपडेट रखा ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए? मैं स्कूल से पहले ही रेगुलर था, फर्स्ट डे से ही मेरी काफ़ी कम छुट्टी होती थी स्कूल में, बाकी रेगुलर पढ़ना तो था ही, साथ में ट्यूशंस भी थी, 2-3 थी, ज़्यादा नहीं रखी थी। और डेली मतलब रेगुलर पढ़ोगे तो बैकलॉग भी नहीं होगा और लास्ट में दिक्कत भी नहीं आएगी। कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको लास्ट में काफ़ी दिक्कत आती है, पर अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो आपको लास्ट में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपके पेपर्स भी अच्छे जाएंगे बिल्कुल।
तो रिजल्ट आने से पहले की फीलिंग्स जान सकता हूँ और रिजल्ट के बाद की फीलिंग्स भी जान सकता हूँ? डर तो सभी को होता है रिजल्ट के आने का। और डर क्या था? डर था कि मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएं, पेरेंट्स को खुश रखना था बिल्कुल, और स्कूल का भी नाम रोशन करना था। तो खुशी हुई जब रिजल्ट आया, काफ़ी इमोशनल हो गया था मैं तब, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, पर काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, मेरे अच्छा, को जब रिजल्ट आया तो किसको याद कर रहा था उस टाइम? ज़्यादा पापा की क्लियर आ रही थी, पापा की आ रही थी ज़्यादा। डांट आ रही थी सामने की? नहीं नहीं, पापा ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी थी मेरे से। okay. वो मतलब वो चाहते थे कि मैं अच्छे मार्क्स लूँ और आगे कुछ बड़ा इंसान बनूँ, तो मैं कर रहा हूँ उनके ड्रीम पूरे धीरे धीरे, और मैं चाहता हूँ कि करूँ आगे भी। अब स्ट्रीम आपकी भी मेडिकल? बिल्कुल। तो अब क्या है फ्यूचर प्लान्स आपके? फ्यूचर प्लान्स अभी फार्मेसी की तरफ देखूंगा मैं। okay. उसके लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अभी PMSS के थ्रू ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बाकी यही है। तैयार हो? बिल्कुल सर। सर आपसे आखिर में मैसेज लेंगे इन दोनों बच्चों के लिए, ये भी एक क्रीम आप कह सकते हैं कि सोसाइटी की है जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, इनके बारे में क्या कहेंगे? पहले जैसे इन्होंने बताया कि रेगुलरली स्कूल में डेली आप और टीचर्स के साथ एक लाइजन बनाना अपना काम, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्पेशली अपना काम लेना आना चाहिए कि मैंने टीचर से कैसे अपनी उनको रिस्पेक्ट देके कैसे काम लेना। बाकी एक चीज़ इन स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, कि अगर मेहनत करने के टाइम पे आप आराम करोगे तो आराम करने के टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये क्लियर है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है। यस, ठीक है। तो इस समय हमारा मेहनत का टाइम है तो हमें मेहनत ही करनी है। अगर मेहनत के टाइम इस समय आराम किया, सोशल मीडिया ये किया, तो हाँ वो हमें मतलब कि ये चीज़ें यहाँ पे अपना लेगेसी छोड़नी पड़ेगी अगर कहीं पहुँचना है। कि डेफिनेटली अगर आप सोते हैं इस समय तो कोई ना कोई पढ़ रहा है, तो जब वो सेम एग्जाम में बैठेगा तो आपको दूंगा निकाल लेगा, वो आगे निकलेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें मोटिवेट करें। ओके, थैंक यू। तो ये हमारे साथ हार्दिक और आलोक जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, बाकी सोसाइटी के बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा है। लेकिन फिर मैं आखिर में जाते जाते कहूँगा कि मार्क्स अप डाउन ये रहता है, डिमोरलाइज नहीं होना है, किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है। अगर मार्क्स कम आए हैं तो आप दोबारा से मेहनत करें, दोबारा से मुकाम हासिल किया जा सकता है। लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा आप वाकया ना कर दें जिससे आपके पेरेंट्स को परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं इन बच्चों से आपको इसलिए रूबरू करवा रहा हूं ताकि ये आपके लिए प्रेरणा है, आप इनसे कुछ सीखें, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट भी हासिल करते हैं। इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, जिनके कम नंबर आए वो भी दोबारा मेहनत करें, उनको भी हम बेस्ट विशेज देते हैं। और जिन्होंने मार्क्स अच्छे लिए, ये उनका एक टर्निंग पॉइंट था, अब वो अपने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जाएंगे, उसके लिए भी इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। फिलहाल की रिकमेंड राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।